हेलो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A में गंधव भाकासर खंड पर एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया है। यह पहली बार होगा जब देश के किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबे इस आपातकालीन लैंडिंग खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए NH 925A पर विकसित किया है। यह गगरिया भकासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन के पेवर्ड शोल्डर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 196.97 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित इस आपातकालीन स्ट्रिप की लागत लगभग 765.52 करोड़ रुपए होगी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व अक्टूबर 2017 में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू जेट और परिवहन विमानों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मॉक लैंडिंग करते हुए यह दर्शाया था कि राजमार्गों का उपयोग वायुसेना के विमानों द्वारा आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए किया जा सकता है।